ये ऑल इंडिया उलामा बोर्ड महाराष्ट्र की चिट्ठी है, मराठी में है, जिस पर हस्ताक्षर करने वाले हैं नायाब अंसारी, सुप्रीम बॉडी चेयरमैन मौलवी उस्मान शेख, महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद शहाबुद्दीन सौदागर, महाराष्ट्र महासचिव। और इन्होंने 24 के चुनाव में आग्रह किया है किससे किससे, नाना पटोले, उद्धव ठाकरे, शरद पवार और बाकी सभी पार्टियों से, हमारा वोट चाहिए तो हमारी कुछ मांगे हैं। उनकी मांगे क्या हैं, हम मराठी का हिंदी में अनुवाद आपके सामने रख रहे हैं। वक्फ बिल का विरोध हो, नौकरी और शिक्षा में 10% मुस्लिम आरक्षण हो, उसके बाद महाराष्ट्र के 48 जिलों में मस्जिद, कब्रिस्तान, दरगाह की जमीन को मुक्त किया जाए, महाराष्ट्र में मस्जिदों, इमाम, मौलाना को सरकार हर महीने 15,000 रुपया देने का वादा करे, मुस्लिम पुलिस भर्ती में मुस्लिम युवाओं को प्राथमिकता दी जाए। आई रिपीट, पुलिस भर्ती में मुस्लिम युवाओं को प्राथमिकता दी जाए। महाराष्ट्र में शिक्षित मुस्लिम समुदाय को पुलिस भर्ती में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। और जब महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन के सहयोगी सरकार बनाएंगे तो आरएसएस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, और बाकी टिकट देना चाहिए, वो सब है अपनी जगह पर। नीतीश राणे को जेल में भेजिए, रामगिरी महाराज को जेल में भेजिए और उनके लोगों को छोड़िए, वगैरह वगैरह। मौलाना सलमान अजहरी को जेल से बाहर निकलवाइए और एमबीए के 30 सांसद पीएम को खत लिखे, वगैरह वगैरह। ये बहुत ही तोड़ने वाली डिमांड है, ये देश के विघटन का चार्टर है। लेकिन हमें पीड़ा इस बात की है कि चिट्ठी तो हमने दिखाई आपकी, मराठी में ओरिजिनल है, अब इस पर महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जवाब है। जवाब तो मराठी में है, उसका हम हिंदी अनुवाद पढ़ते हैं। आपके द्वारा व्यक्त की गई 17 मांगों के संबंध में आपके समर्थन पत्र दिनांक 7 अक्टूबर 2024 के संबंध में हम आपको सूचित करना चाहेंगे कि महाराष्ट्र में अखिल भारतीय सरकार के गठन के बाद हम आपकी मांगों को लागू करने के लिए निश्चित रूप से कदम उठाएंगे। मांगे क्या थी हमने पढ़ दिया, आश्वासन क्या है हमने पढ़ दिया कि हम निश्चित रूप से कदम उठाएंगे। मित्रों, मैं नाना पटोले से क्या बात करूं, पहली बात राहुल गांधी से करनी है। वो देश को रोज ज्ञान देते हैं ना, संविधान की किताब लेके घूमते हैं। राहुल गांधी, आपने कुछ जाना है कि रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन इज नॉट परमिसेबल अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन? राहुल गांधी रोज संविधान लेकर आप देश में घूमते हैं, दिखाते हैं कि संविधान खतरे में है। उस संविधान के अंतर्गत साफ लिखा हुआ है कि रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन नहीं हो सकता, उस पर कोर्ट के निर्णय भी हैं। मैं आपके सामने एक जजमेंट रखना चाहूंगा, राहुल गांधी जी को ज्ञान देना जरूरी होता है। तो ये फेमस केस है इंदिरा सोने का, 9 जज सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है मंडल कमीशन पर, और उसका मैं कंक्लूजन पढ़ रहा हूं, पैरा 323। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स। कोई पिछड़े हैं तो उसका विचार हो सकता है, लेकिन यह सीधा मनाही है और यह सुप्रीम कोर्ट के 9 जजेस का फैसला भी है। आपको याद है कि आंध्र प्रदेश में दिया गया था रिजर्वेशन जिसे कोर्ट ने तोड़ा। तो राहुल गांधी जी और कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी, आप लोग रोज संविधान लेके देश और झारखंड और महाराष्ट्र में घूमते हैं, तो मुस्लिम जमात आपसे मुस्लिम समाज के लिए 10% रिजर्वेशन मुसलमानों के लिए मांग रही है, इसे आप सही मानते हैं? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं,
कि उन्होंने क्या मांगा है। नौकरी और शिक्षा में 10% मुस्लिम आरक्षण, ये उनकी डिमांड है। ये कॉपी हमारे पास है। तो श्रीमान राहुल गांधी, श्रीमान खड़गे जी, अगर पूजा पद्धति उपासना के नाम पर हिंदू हो मुसलमान हो आरक्षण नहीं मिल सकता तो वोट की सौदागरी में कहां तक जाएंगे आप? नाना पटोले अपने मन से ये पत्र लिख रहे हैं जो आपके अध्यक्ष हैं, या आपकी सहमति से पत्र लिख रहे हैं, ये बताइए आप। बीजेपी जानना चाहती है, राहुल गांधी द बीजेपी वुड लाइक टू नो, बिकॉज एनी रिजर्वेशन ऑन रिलीजियस ग्राउंड इज टोटली प्रोहिबिटेड, द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट परमिट, द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑल्सो प्रोहिबिट्स दैट। हाउ डज योर प्रेसिडेंट ऑफ महाराष्ट्र कांग्रेस टेल द जमायते उल्लमा विल कंसिडर इट ए डाउन राइट डिवाइसिव कम्युनल डिमांड ऑफ 10% रिजर्वेशन फॉर मुस्लिम्स? ये हम जानना चाहते हैं। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी कितना देश को तोड़ेंगे आप वोट के लिए? कहां तक जाएंगे आप? कोई शर्म बची है आपको? वोट के लिए कुछ भी स्वीकार कर लेंगे आप? कर्नाटक के चुनाव में हमारे मित्रों को याद होगा पीएफआई का सहयोग लिया था कि नहीं लिया था इन लोगों ने, काफी उस पर टिप्पणी यहां से की गई थी, मुझे भी एक बार बोलने का पार्टी ने अवसर दिया था। द कांग्रेस पार्टी इज क्रॉसिंग ऑल लिमिट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोप्राइटी एंड पॉलिटिकल प्रोप्राइटी टू गेट वोट्स टू डिफीट बीजेपी एंड द एनडीए। यह है कांग्रेस पार्टी। और चलते हैं देश को संविधान का ज्ञान देने के लिए। न संविधान समझते हैं, न संविधान के भाव को समझते हैं, न संविधान के मौलिक अधिकार की सीमाओं को समझते हैं, लेकिन चलते हैं ज्ञान देने के लिए। दूसरा सवाल हम जानना चाहते हैं, इन्होंने कहा है कि आरएसएस पर बैन लगाया जाए, और नाना पटेल ने यह भी कहा है विचार करेंगे। खड़गे साहब, राहुल गांधी, क्या आरएसएस को बैन को कांग्रेस पार्टी समर्थन करती है? खुलकर बताइए, हम भी जानना चाहते हैं। इमरजेंसी में राहुल जी, आपकी दादी जी ने लगाया था तो टूट गया ट्राइब्यूनल से, 77 में क्या गति हुई आपको मालूम है, पहले भी क्या गति हुई। अगर कांग्रेस पार्टी को अपनी कुछ और गति करवानी है तो छोड़ दीजिए, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी कमिट करती है इन ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड महाराष्ट्र के डिमांड को कि हमारा वोट चाहिए, तो बोलो कि आरएसएस को बैन किया जाएगा। और आपके पटोले साहब ने क्या कहा, सरकार के गठन के बाद हम आपकी मांगों को लागू करने के लिए निश्चित रूप से कदम उठाएंगे।